हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशर्मो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाके जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूल जाना। और जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये मेरे सारे हैंडल्स हैं, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ नॉलेज विद दिस वीडियो, लेट्स गो। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 8 ही शेड्यूल्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट वो बढ़कर हो चुके हैं 12। और पहले जो 8 शेड्यूल्स हैं उनके बारे में हमने जान लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कैसे बना। तो इंडिया आजाद हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो चुका था, तो देश के जो गरीब किसान थे उन्होंने मिस्टर नेहरू से कहा कि देश को तो आजादी मिल गई, लेकिन हमें इन जमींदारों से कब आजादी मिलेगी। सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ज्यादातर स्टेट्स में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, और जो लैंड यानी कि जो जमीन का सब्जेक्ट है उस पर स्टेट्स के द्वारा लॉ बनाया जाता है। तो मिस्टर नेहरू ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा कि ऐसे लॉज बनाओ कि किसी भी इंसान के पास एक लिमिट से ज्यादा लैंड नहीं हो सकती, और जो एक्स्ट्रा लैंड है उस इंसान के पास वो लैंड उनसे ले ली जाएगी और उस लैंड को गरीब किसानों को दे दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि लिमिट रख दी गई कि 30 एकड़ से ज्यादा किसी भी इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो किसी के पास मान लो 40 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो उससे वो जो एक्स्ट्रा 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है वो ले ली जाएगी और वो गरीब किसानों में बांट दी जाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ इसी तरीके के लॉज बना दिए और इन लॉज को कहा जाता है लैंड रिफॉर्म एक्ट्स। अब जो जमींदार थे वो इन लॉज के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 और 31 में राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट है और उसके बेसिस पर हमसे हमारी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जितने भी लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाए गए हैं ये राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। लेकिन मिस्टर नेहरू ने हार नहीं मानी और एक मास्टर स्ट्रोक खेला। 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 31B और साथ ही शेड्यूल 9th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए गए। आर्टिकल 31B में लिखा कि शेड्यूल 9 में जो भी प्रोविजंस डाले जाएंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं यूज कर सकती। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक ऐसी पावर है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेजिस्लेचर के किसी भी बनाए हुए लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो लॉ बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो ऐसे लॉज को खत्म कर सकता है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शेड्यूल 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया और इसमें सारे लैंड रिफॉर्म्स वाले जो लॉज थे उनको डाल दिया गया और कहा गया कि शेड्यूल 9 पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं हो सकता। तो 9th शेड्यूल में लिखे गए हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज जो कि स्टेट्स के द्वारा बनाए गए हैं। 10th शेड्यूल में बात की गई है डिफेक्शन की। डिफेक्शन का मतलब है दल बदल। आपने देखा होगा हमारे पॉलिटिशियंस को, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। तो 1980s के टाइम पर दल बदल वाली चीज थी ये कुछ ज्यादा ही होने लगी थी, इसलिए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और शेड्यूल 10th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया। शेड्यूल 10th में डिफेक्शन को रोकने के लिए लॉज लिखे गए और जो भी MP या MLA उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है। ये बात कही गई है 10th शेड्यूल में। ये रहा आर्टिकल 102 जो कहता है कि एक MP डिफेक्शन के बेसिस पर 10th शेड्यूल में लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। और ये रहा आर्टिकल 191 जो कहता है कि एक MLA डिफेक्शन के बेसिस पर 10th शेड्यूल में लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। और ये रहा साक्षात हमारा शेड्यूल नंबर 10 जिसमें डिफेक्शन के ग्राउंड पर MPs और MLAs को डिस्क्वालिफाई करने के रूल्स लिखे हुए हैं। देखो दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो हमारे देश में 2-level गवर्नमेंट थी। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं, उसके बाद 2nd level पर स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं। यूनियन गवर्नमेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है स्टेट लेवल पर काम करना और अपने पूरे स्टेट का ध्यान रखना। लेकिन जो स्टेट लेवल पर मिनिस्टर्स हैं या बाकी के MLAs हैं वो छोटे छोटे गाँव में या कस्बों में जाकर छोटे छोटे लोगों की परेशानियां तो नहीं देखते। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया को एक 3rd level गवर्नमेंट की जरूरत थी जो कि रूट लेवल पर यानी कि जमीनी स्तर पर काम कर सके, जो हमारे गांव, जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनकी परेशानियों को समझे और उन पर काम करे।
तो इसके चलते कुछ स्टेट्स पंचायती राज लेके आए जो गांवों और कस्बों में थर्ड लेवल गवर्नमेंट की तरह काम करने लगी। जैसे 1959 में राजस्थान पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया था और उसके बाद कुछ और स्टेट्स ने भी ये सिस्टम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये स्टेट्स के लिए ऑप्शनल था, अगर वो चाहें तो वो पंचायती राज अपने स्टेट में लाएं, अगर वो ना चाहें तो वो उनकी मर्जी, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं था। तो अब आने वाले सालों में थर्ड लेवल गवर्नमेंट को मैंडेटरी करने की बात होने लगी और ये काम फाइनली हो पाया ईयर 1992 में, जब पार्लियामेंट के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। इस अमेंडमेंट से पहले पंचायती राज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, लेकिन अब तो पंचायती राज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, यानी कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है। तो अब हर स्टेट के लिए ये मैंडेटरी हो गया कि पंचायती राज सिस्टम उसको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 243, जिसको 1956 में हटा दिया गया था और अब 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट से उस आर्टिकल की कमी को पूरा करने के लिए आ गए आर्टिकल 243 से लेकर 243O, जो थे पंचायती राज के बारे में। और इनमें से ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 243G, जिसमें कहा गया है कि पंचायत की पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज 11th शेड्यूल में लिखी हैं और 11th शेड्यूल में टोटल 29 मैटर्स यानी कि 29 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 243 से लेकर 243O और शेड्यूल 11th कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने। और ये बात करते हैं पंचायती राज के बारे में, तो 1992 से हमारी कंट्री में थ्री लेवल गवर्नमेंट हो गई, या आप कह सकते हैं थ्री टीयर गवर्नमेंट। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज। लेकिन हाँ, हमारे देश में जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसीलिए काफी क्रिटिसिज्म भी होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। देखो दोस्तों, टाइम के साथ साथ हमारे देश में सिटीज यानी कि जो शहर हैं वो भी बढ़ते जा रहे थे, तो बात हो रही थी कि गांव के साथ साथ शहरों के लिए भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मैंडेटरी होना चाहिए। तो 1992 में ही 73rd अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट के द्वारा 74th अमेंडमेंट भी कर दिया गया और आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG और शेड्यूल 12th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए गए। और ये बात करते थे म्युनिसिपैलिटीज की, यानी कि पंचायती राज की तरह म्युनिसिपैलिटीज को भी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। तो जैसे गांव वाले इलाकों के लिए पंचायती राज लाया गया था, उसी तरीके से शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज का सिस्टम लाया गया। तो इनमें से ही एक आर्टिकल है 243W, जिसमें कहा गया है कि म्युनिसिपैलिटीज की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेड्यूल 12th में लिखी गई हैं। 12th शेड्यूल में टोटल 18 मैटर्स हैं। तो अब देख लेते हैं कंप्लीट पिक्चर। तो हमारे देश में थ्री लेवल गवर्नमेंट चलती है, यूनियन, स्टेट, देन लोकल। और लोकल गवर्नमेंट को भी हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, रूरल एरियाज यानी कि गांव के इलाकों में लोकल गवर्नमेंट को कहा जाता है पंचायती राज, और अर्बन एरियाज में यानी कि शहरी इलाकों में लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज। और हाँ, म्युनिसिपैलिटीज को भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। और इसी के साथ हमारे शेड्यूल्स होते हैं ओवर। मैंने देखा है लोग शेड्यूल्स को बहुत ही शॉर्ट में बता देते हैं, बस एक लाइन में बता देंगे कि ये शेड्यूल इस बारे में है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चीजों को डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। और हाँ, जैसे जैसे हम इंडियन पॉलिटी में आगे बढ़ते रहेंगे, इन सभी शेड्यूल्स और इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे उनको और भी डिटेल में जानेंगे। चलिए, अपना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।